गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने? आज आपणे धोरण 7 विषय हिंदी एमां विषयां छे काव्य छे, काव्य छे तू, काव्य बीजी तब याद तुम्हारी आती है, का पाठ 1 आपणे चित्र के संग चित्र पाठ हतो ते आपणे फिनिश कर्यो हतो અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ આપણે પેજ નંબર 5-6-7 ત્યાં સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. હવે કાવ્ય તો તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ ત્યાંથી આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીશું. તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ એ કાવ્યના રચિતા કોણ છે? રામ નરેશ ત્રિપાઠી. કોણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? રામ નરેશ ત્રિપાઠી. राम नरेश त्रिपाठी आ काव्यना रचयिता थे. तो आपणे काव्य परिचय जोईशुं. राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोईरीपुर गांव में हुआ था. कहाँ हुआ था? सुल्तानपुर जिले में कोईरीपुर गांव हतु त्यां जन्म थयो हतु. वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे. वे कवि थे, वे खूब आलोचक थे. उसकी मुख्य काव्य प्रकृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला. क्या पुरस्कार मिले हमने? स्वप्न जे काव्य रजू करी हती त्यां तमने हिंदुस्तान नो एम का पुरस्कार मळवामां मळ्यो हतो. उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है. एमनी जे प्रार्थना छे के हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए એ પ્રાર્થના ગીત છે, એ એમનું ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ હતું. ઉનકા નિધન 16/1/1992 કો હુઆ. એમનું મરણ ક્યારે થયું, મૃત્યુ ક્યારે થયું? 16/1/1992 એમનું મૃત્યુ થયું. અને જન્મ ક્યારે થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4/3/1889 ત્યારે એમનું મરણ થયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, आजे अपने यह काव्य की शुरुआत करीशू. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. सु कहियो छे विद्यार्थी मित्रों? जारे अंक चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है. जारे अंक चिड़िया उठी ने खुशी के गीत गा रही है. पक्षी सु कहियो छे? कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है. जरे एम को कलिया એટલે कली. एम को जरे पण कलिया एम को अपने दरवाजे खोल के પોતાનો દરવાજો ખોલીને દુનિયા પર મુસ્કાને લગતી હે. જ્યારે એમ કો કલિયા પોતાનો દરવાજો ખોલીને એમ કો દુનિયા પર એમ કો મુસ્કાને લગતી હે. જબ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે તબ એમ કો ખુશ્બુ કે લહરે ફૂલો મે સે નિકલ કે ચારો ઓર ફેલને લગતી હે. ત્યારે એમ કો જ્યારે પોતાના પક્ષીઓ બાગ આવીને ખિલખિલાટતી પોતાને હલન ચલન કરે છે, ફરે છે, ત્યારે એમ કો ખુશ્બુની લહેર ફૂલોની જેમ બહાર આવીને ચારે બાજુ ફેલાતી લાગે છે. પછી છે, હે જગ કે સિર્જનહાર પ્રભુ, હે જગ કે સિર્જનહાર પ્રભુ, તબ યાદ તુમ્હારી આવે છે. તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે. हे सृष्टि के रचने वाले प्रभु, हे सृष्टि के रचने वाले प्रभु, यहाँ सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है. क्या कहा है? हे सृष्टि के सृजनहार प्रभु,
यह सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है। तो फरीथी एक बार विद्यार्थी मित्रों एनु करू छु अनुवाद। जब चिड़िया भोर में इतले सुबह, जब चिड़िया सुबह जल्दी से उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही हो, जैसे वो खुशी से कुछ गीत गा रही हो। कलिया भी अपने दरवाजे खोल खोल कर, कलिया भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है, कलिया भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू के लहर फूलों में से निकलकर, सु कहियो छे, खुशबू की लहर फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। खुशबू की लहर फूलों से निकलकर जब चारों ओर फैलने लगती है, हे सृष्टि के सर्जनहार प्रभु, यह सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के सर्जनहार प्रभु, यह सब देखकर याद मुझे तुम्हारी आती है। आ हतु आनो अनुवाद। हवे छे फकरो बीजो। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, तेनो अनुवाद हवे आपे विद्यार्थी मित्रों करीशु। सु कयो छे, जारे वरसाद ऋतु में, जारे वरसाद पड़े छे विद्यार्थी मित्रों, त्यारे वरसाद ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदे गिरती है, जब वरसाद ऋतु में छम छम कर वरसाद की बूंदे गिरती है और छम छम कर बिजली चमकती है, और छम छम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, तब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? फिर से यह समझाती हूँ चार पंक्ति। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरने लगती है, वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है, तब चम चम कर बिजली चमकती है, और तब चम चम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में, जब तब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, हरियाली लहराने लगती है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? ये था दूसरे भाग का अनुवाद। अब है तीसरा भाग। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहा इसमें? इसका अनुवाद अब करती हूँ। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ध्यान रखना, एक एक लिटी में ध्यान रखो। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर आती है, यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, ये सब देखकर
हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है। फिर से विद्यार्थी मित्र ध्यान रखना है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर लाती है, ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे याद तुम्हारी आती है। तो ये था विद्यार्थी मित्रों काव्य का अनुवाद। अब सर्वार्थ हम लिखते हैं। चिड़िया तो शू था विद्यार्थी मित्रों? पक्षी। पक्षी अथवा तो पंछी। पक्षी छे लहर, तरंग, सृजनहार, सृष्टि के रचना करने वाला। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये है शब्दार्थ। चिड़िया तो पक्षी यानी कि पंछी, लहर तो तरंग, सृजनहार એટલે सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, हरियाली तो हरा भरा, डोना तो बोझ उठाना, खुशबू तो सुगंध, बिजली तो विद्युत। જ્યારે बिजली થાય છે, જ્યારે વરસાદ પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે વીજળીના ધબકારા થતા હોય છે, વીજળી થતી હોય છે। પછી મસ્તી તો આનંદ, ડોના તો ઉઠાના, બોજ ઉઠાના। હે સૃષ્ટિ કે સર્જનહાર પ્રભુ, આપ મેરા યે બોજ ઉઠા રહે હે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ये काव्य की समझूती। फिर से एक बात दे देती हूँ, आप ध्यान रखना, काव्य का अनुवाद करती हूँ फिर से। चिड़िया जब सुबह जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है, जैसे वे खुशियों के कुछ गीत गा रही है। कलिया भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहर फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे याद तुम्हारी आती है। पछि बीजा फकरण, वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदे गिरती है और चम चम कर बिजली चमकती है।
जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहलाने लगती है, तब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। पछी त्रीजा नो गुजराती। जब ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर ले आती है, यहाँ सब देखकर है सृष्टि के रचने कर रचना करने वाले प्रभु, यहाँ सब देखकर है सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु, मुझे याद तुम्हारी आती है, मुझे याद तुम्हारी आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हती काव्य ने समझी समझूती एना अनुवाद करा અને આ શબ્દાર્થ મેં તમને અહીંયા લખાવ્યા છે, તો તમે આ શબ્દાર્થને ધ્યાનમાં રાખીને ઘરે કાવ્ય મોડે તૈયાર કરવાની છે। આજનું તમારું હોમવર્ક છે, આ કાવ્યની પંક્તિઓ તમારે મોડે કરવાની છે। પરીક્ષામાં કાવ્ય પૂર્ણ કરો આવી શકે તો આ કાવ્યની પંક્તિઓ તમારે મોડે કરવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો વિડીયો અહીંયા ફિનિશ થાય છે। આવતા લેક્ચરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પૃથ્વીમાં કાવ્ય 2 એ આપણે પુરાવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। બાય બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો।